तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे। तो आप जहाँ भी देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा है कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इंस्टा हो या फेसबुक हो या फिर हम कहें यूट्यूब हो, वहाँ पे रील्स का इतना क्रेज चल रहा है कि लोग कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं वहाँ की, ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या इससे सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है। वो अपने कमेंट्स को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि आखिर इस वीडियो पे हमारा कमेंट्स आ क्या रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे साइड में ये वीडियो चल रही है, ये इंस्टा पे डाला हुआ है। इसमें इस तरह दिखाया गया है कि किसी के घर में अगर आप पेट्स एनिमल रखे हैं तो आप पेट्स एनिमल को पेट्स की तरह रखें, ना कि उस बच्चे को उस पर बैठा के दुर्गा माँ का आकार दे दें। यहाँ तक तो सही है, वो अपने कमेंट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं कि इसके साथ कितनी नेगेटिविटी आ रही है। नवरात्रि का मौसम है तो ऐसा नहीं है, वो बच्ची मानते हैं कि वो एक लड़की है, लेकिन ये कुत्ते पे बैठाना कहाँ तक सही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे सनातन धर्म पे जो असर पड़ता है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। और ऐसा सिर्फ हमारे ही धर्म में देखा जाता है कि कभी कुत्ते पे बैठा दिया जाता है, कभी क्या करते हैं कि लोग देवी का रूप लेके रोडों पे चलने लगते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे सनातन की मर्यादा में रहनी चाहिए और अच्छे से अच्छे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, खास करके देवी देवताओं के मामले में। ये बिल्कुल गलत है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।